Hello everyone, this is Sadish Mushtaq from Pro Chef at Home. Welcome to my kitchen, the Pro Chef at Home kitchen. आज मैं आप सबके लिए फिर से लेकर आई हूँ बहुत ही मजेदार की रेसिपी, पोटैटो बाइट्स एंड चिली बाइट्स। तो चलिए चलते हैं, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये है हमारे चिली बाइट्स, देखे दिखने में कितनी मजेदार की लग रही हैं। और इसी के साथ हमारे हैं ये पोटैटो बाइट्स जो कि हम लोग अभी रेडी करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की। बॉइल्ड पोटैटो, लार्ज चिली, चॉप ग्रीन चिली, चॉप अनियन, फ्रेश कोरिएंडर, मिंट, क्रश कोरिएंडर, क्रश चिली, ग्रीन अनियन, क्रश क्यूमिन, सॉल्ट एंड टर्मेरिक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेंगे 4 से 5 उबले हुए आलू और उन्हें अपने हाथों से या आप मैशर के मदद से भी इसको अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मैश करना है, इस तरह से इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो ये लीजिए, हमारे जो उबले हुए आलू हैं वो अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। इसी के साथ 2 छोटे कटे हुए प्याज, नमक ज़रूरत के हिसाब से, 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 छोटा चम्मच पिसा हुआ जीरा, 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा हरा प्याज और 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 कप पुदीना और 2 बड़े चम्मच कुटी हुई हरी मिर्चें और इसी के साथ और 1/2 कप धनिया और इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा इसमें डालेंगे मैदा और इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप इसको मिक्स करने के बाद आप लोग इसका नमक टेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से नमक या मसाला वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे जो मसाला है और उबले हुए आलू थे वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो चले चलते हैं, हम लोग इसका बैटर रेडी करते हैं। फ्लावर, वाटर, सिचुआन सॉस, आप चाहे तो जस्ट रेड चिली भी ले सकते हैं, और कॉर्नफ्लावर, 1 कप मैदा, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर और इसी के साथ 1 बड़ा चम्मच सिचुआन सॉस। अब हम लोगों ने इसका बैटर रेडी करना है और इसी के साथ हम लोग डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप पानी अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ये देखें कुछ इस तरह से। आप लोगों ने इसके अंदर गुठलियां नहीं रहने देनी। 1 छोटा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और फिर से इसे करेंगे अच्छी तरह से मिक्स और पानी आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा डालते रहिएगा। बस आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना है कि बैटर जो हमारा ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा ठीक हो। तो ये देखिए, हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है, इट्स डन। तो चले चलते हैं हम लोग अपनी असेंबलिंग की तरफ। यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले करना क्या है कि आपने अपने हाथों में ऑयल लगा लेना है और यूं ही थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेकर इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं कुछ इस तरह से। और इसी तरह से आप लोगों ने हरी मिर्ची लेनी है, उसके बीज निकाल कर और ये जो हमारा मिक्सचर है, जो मसाला हम लोगों ने रेडी किया है, इसमें भर देना है कुछ इस तरह से। इसी तरह से हम लोग अपनी सारी मिर्चों में ये मसाला भर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारी मिर्चें और बॉल्स हो गई हैं रेडी। तो चले करते हैं हम लोग इनको फ्राई। सबसे पहले हम लोगों ने करना क्या है कि फेंटे हुए अंडे में हम लोगों ने ये सारी बॉल्स को डिप करना है। सबसे पहले उसमें हम लोगों ने डिप करना है और फिर हम लोगों ने इसको बैटर में डिप करना है। आप लोगों ने जो चूल्हे की जो आँच है आप लोगों ने दरमियानी रखनी है और इसको बड़े ही प्यार से आप लोगों ने इसमें ऑयल में ऐड करते जाना है, डालते जाना है, क्योंकि ये होता है मिक्सचर होता है बहुत सॉफ्ट होता है और बैटर भी हमारा। तो आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से इसको ये सारे तेल में इसको ऐड करना है। तो ये देखिए, हमारी सारी बॉल हम लोगों ने इसमें डाल दी है। अब हम लोगों ने इसको फ्राई करना है, तकरीबन तब तक फ्राई करना है जब तक ये कलर में गोल्डन ना हो जाए। और आप लोगों ने चम्मच बहुत ही आराम से चलाना है, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी। ये देखें,
हमारी बॉल्स हैं तकरीबन रेडी हो चुकी हैं, फ्राई हो चुकी हैं। तो ये देखिए हमारी बॉल्स हैं जो रेडी हो गई हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पर हरी मिर्च जो आप लोगों को दिखाई थी ये वो हैं। आप लोगों का टाइम सेव करने के लिए मैंने जस्ट डायरेक्ट ये हरी मिर्चें ऑयल में दिखा दी हैं। सेम वही प्रोसीजर है जिस तरह से हम लोगों ने बॉल को फ्राई किया, सबसे पहले अंडे में डिप किया, फिर बैटर में डिप किया, इसी तरह से सेम आप लोगों ने मिर्चों के साथ भी इसी तरह से करना है। अगर आप लोगों को जो बैटर है, जो हम लोगों ने बैटर रेडी किया है, ज़्यादा पतला लगे मिर्चों के हिसाब से, तो आप लोग उसमें एक चम्मच मैदा और डाल सकते हैं। तो ये देखें हमारी मिर्चें भी रेडी हो चुकी हैं। हमारे चिली बाइट्स और पोटैटो बाइट्स दोनों रेडी हो चुके हैं। इट्स रेडी टू सर्व। आप इसको केचप के साथ खाएं या ग्रीन चटनी के साथ, वो आपकी मर्जी है। So, कैसी लगी आप सबको मेरी ये रेसिपी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और उन तमाम लोगों का थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे काम को अप्रिशिएट किया, उन तमाम लोगों का बहुत ही शुक्रिया। एक्चुअली में मैंने रात को ही अभी 300 सब्सक्राइबर कम्प्लीट किए और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि बंदा थोड़े थोड़े से ही आगे बढ़ता है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और उन तमाम लोगों का थैंक यू करना चाहती हूँ। और मैं उन तमाम लोगों से एक और रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने मेरे 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएं, आप लोग इसी तरह से मुझे प्यार देते रहें और मेरे काम को अप्रिशिएट करते रहें ताकि ये मेरे जो 300 है वो 3000 में कम्प्लीट हो जाए। तो प्लीज़ इसी तरह से मुझे अपना प्यार देते रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आप लोगों को एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।